नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है व्यापारी अड्डे पर। मैं राम गुप्ता, आज की इस वीडियो में आप सभी को रेलवे पार्सल सर्विस के बारे में बताऊंगा। आप कैसे पूरी बुकिंग कर सकते हैं। रेलवे पार्सल की आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि मेरा जो पिछला एक वीडियो था जिसमें मैंने लोकल ट्रक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था, उस पर भी आप सभी ने काफी ज्यादा कमेंट्स करी थी कि मैं रेलवे पार्सल के बारे में बताऊं, इसलिए यह वीडियो मैं लाया हूं। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको बुकिंग करनी है, क्या चार्जेस लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, कितने घंटे पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है, अगर आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसी ट्रेन में माल ले जाना है तो क्या प्रोसीजर है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें जो कि जब आप खुद जाके पार्सल बुकिंग करते हैं जब पता चलती है, वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले हम भी यूज करते थे रेलवे पार्सल सुविधा, पर वो प्राइवेट लोगों के द्वारा यूज करते थे जो एजेंसीज रहती है। पर जब मैं खुद गया तो पता चला कि रेट्स काफी ज्यादा कम रहते हैं, प्राइवेट एजेंसीज ज्यादा पैसे लेती है। और कुछ ऐसी बातें जो कि वहीं पर जाकर आपको पता चलती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फ्रॉड से आप बच सके। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो वहीं पर फेस करनी पड़ती है जब आप खुद विजिट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे पार्सल सुविधा जो कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, काफी चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का वे पूरे इंडिया में। रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है और खासकर जितनी भी मेट्रो सिटीज है, जितने भी होलसेल मार्केट्स है, जहां पर भी पूरे अपने जितने भी व्यापारी उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहां से, तो रेलवे पार्सल सुविधा हमेशा मतलब डेली रूट में चालू है। डेली आप प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं कभी भी किसी भी समय। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो अगर आपका जो माल है आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं और वो अगर 50,000 से कम प्राइस का है, 50,000 के अंदर का है, तो आपको सिर्फ आधार कार्ड नंबर लगेगा। और इसके अलावा और कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप आधार नंबर और पूरी डिटेल जो रहेंगी वो देंगे, जहां पर आपको पहुंचाना है, जहां से आप पहुंचा रहे हैं, मोबाइल नंबर, सब कुछ। और अगर आपका पार्सल 50,000 से ज्यादा का है तो आपको ई वे बिल देना पड़ेगा और जीएसटी का फॉर्म भी वहां पर भरना पड़ेगा। वहां पर जो रेल मास्टर है वो आप सभी को पूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, फॉर्म्स दे देंगे, वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बड़ी सिटी में गए जहां पर होलसेल मार्केट से, क्योंकि सारे होलसेल मार्केट सभी बड़ी सिटीज में और वहां पर रेलवे स्टेशन पार्सल सब सुविधा उपलब्ध है, तो आप वहां पर गए, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने अच्छी पैकिंग सब कुछ कर दी, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसी ट्रेन में आप अपना प्रोडक्ट ले जाएं और जहां पर आप उतरे वहीं पर वह प्रोडक्ट उतर जाए और आपको समय का विलंब ना हो, आपके पास बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। तो इसके लिए प्रोसीजर यह है कि आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसका जो समय, उससे 4 घंटे पहले आपको पार्सल की बुकिंग करनी पड़ती है। पार्सल की बुकिंग के लिए आपको रेलवे स्टेशन खुद जाना रहता है और वहां पर जो रेल मास्टर रहता है वो आपके पार्सल की वेट लेता है, उसका पूरा वजन लेता है और उनकी जो भी प्राइसिंग है वो कैलकुलेट होती है वेट के हिसाब से। पार्सल में ऐसा भी अंतर रहता है कि जैसे कि आपका वजनदार पार्सल है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का है, तो उसका तो वजन ही लिया जाएगा, लेकिन अगर जैसे कि कपड़े का है जिसमें हल्का वजन रहता है, जैसे रुई हुई है या कुछ ऐसी चीज है जिसमें कम वजन है और पार्सल बहुत बड़ा है, तो उसमें वजन नहीं लिया जाएगा, उसमें उसके मेजरमेंट ली जाएगी, कितने इंच का है वो पूरा उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जब आप जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी प्राइस लेगी, पर दोनों ही केस में चाहे मेजरमेंट ले या वजन ले, प्राइस बहुत कम रहती है और सबसे चीप है रेलवे पार्सल सुविधा। ये तो आप जब जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जब आप वेट हो जाता है तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, एक बिल्टी देते हैं, जिसमें आपका वेट, आप कहाँ पर से भेज रहे हैं, कहाँ पर जा रहा है प्रोडक्ट, पूरा मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, फिर एक फॉरवर्डिंग नोट करके होता है। फॉरवर्डिंग नोट लेने के लिए कई बार जो बड़ी सिटीज है वहां पर तो रेलवे पार्सल सुविधा काफी ज्यादा चलती है, तो लंबी लाइनें लगती है फॉर्म लेने के लिए। तो आप एक यह चीज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लंबी लाइन से बचने के लिए इंडियन रेलवे ने एक पोर्टल वेबसाइट बना रखी है, जिसमें आप खुद उस फॉरवर्डिंग नोट को प्रिंट आउट ले जा सकते हैं रेलवे स्टेशन तक। तो उस वेबसाइट का नाम है www.parcel.indianrail.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो फॉरवर्डिंग नोट के सेक्शन में आपको वहां पर पूरी डिटेल्स देनी है, पार्सल कहां से जा रहा है, मोबाइल नंबर, पता, पूरा जितना भी पूरा पता रहेगा पूरा लिखना है आपको। सिर्फ इतना नहीं कि आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, आपको पूरा पता लिखना है, रेलवे स्टेशन का कोड लिखना है और जहां पर प्रोडक्ट भेज रहे हैं आप
वहां का पूरा पता, कहां पर जा रहा है, रेलवे स्टेशन का कोड, मोबाइल नंबर, सब कुछ। उसमें आपको वेट नहीं लिखना है, क्योंकि वेट आपका रेलवे स्टेशन पर ही होता है, जो मास्टर की आंखों के सामने होता है वही आपका वेट होगा और वो बिल्टी में लिखेगा। अब जो बिल्टी आपको मिलती है, फॉरवर्डिंग नोट आपने खुद बना लिया है, उस पर वो वहां पर सील लगा देंगे। उसके अलावा जो बिल्टी मिलती है, बिल्टी आपको डुप्लीकेट भी मिलती है और ओरिजिनल मिलती है। ओरिजिनल बिल्टी आपको खुद के पास रखनी है, उसकी फोटो एक एक्स्ट्रा खींचकर रख लीजिएगा इन केस अगर बिल्टी घूम जाती है, क्योंकि अगर बिल्टी घूमी तो आप समझ लीजिए कि आपका पार्सल नहीं मिलने वाला है। बिल्टी बहुत जरूरी है, और ओरिजिनल बिल्टी आपको आपके पास रखनी है। जो डुप्लीकेट है वो बिल्टी आपको उन्हें देनी है जो वहां पर पार्सल उठाते हैं, जो वहां पर कर्मचारी लोग हैं जो पार्सल उठाकर आपका ट्रेन में रखते हैं, उनको बताना है कि ये मेरा पार्सल है, आपको गिनवाना है कि ये पूरा पार्सल है। और अपने साथ, जैसे आप पहली बार जाएंगे तो मार्कर जरूर साथ में ले जाएं और खाली पेजेस भी ले जाएं, ताकि जो मार्कर रहेगा उससे आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप जो बिल्टी नंबर है वो दर्ज कर दें, और जो वहां पर कर्मचारी उसे बता दें कि ये बिल्टी नंबर है, वहां पर उसमें थोड़ा सा एड्रेस भी लिख दें कि ये इस जगह पर उतरने वाला है, थोड़ा सा एक इंडिकेशन लग जाए कि हाँ ये इस जगह का पार्सल है, और उसमें मोबाइल नंबर जरूर डाल दें। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो गई। अब जो ओरिजिनल बिल्टी है, अगर आप खुद ट्रेन से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथ रखें उस ओरिजिनल बिल्टी को, और आप जहां उतरे उसे दिखाएं और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आप जो भी माल ले जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी है, आप होलसेलर है जो कि अपने कस्टमर या रिटेलर को प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं रेलवे पार्सल सुविधा द्वारा, तो इसका भी पूरा सेम प्रोसीजर है। बस इसमें इतना सा अंतर है कि इसमें टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी जाकर अपना पार्सल बुक करा सकते हैं रेलवे पर, वहाँ के गोडाउन में वो रखा जाएगा, और जब भी जो ट्रेन आपके डेस्टिनेशन, आपके कस्टमर के डेस्टिनेशन तक जाएगी, वहाँ पर उस ट्रेन में वो पार्सल रख दिया जाएगा। इस प्रोसेस में एक इतना सा अंतर है कि जो आपको ओरिजिनल रिसिप्ट मिलती है वो रिसिप्ट आपको कस्टमर तक कुरियर करानी पड़ती है, क्योंकि रेलवे में यह रूल है कि जो ओरिजिनल रिसिप्ट है उसको दिखाने के बाद ही वहाँ पर पार्सल दिया जाता है आपको, तो वह आपको कुरियर करानी पड़ेगी, चाहे आप इंडियन पोस्ट से कराएं या कोई भी प्राइवेट कुरियर से कुरियर करा दें। और इसके अलावा जैसे कि आपके मन में यह विचार होगा कि जो कुरियर कराएंगे हम तो वहां पर पहुंचने में समय लग जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कुछ रहेगा वहां पर गोडाउन, तो आपका जब पार्सल वहां पर पहुंच जाता है तो वहां जो रेलवे का गोडाउन है उसमें पार्सल पहुंचने के 10 घंटे तक वहां पर आपके गोडाउन में वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा रहता है। उसके बाद से आपके जो पार्सल रखा रहेगा 10 घंटे के बाद से 50 पैसे पर घंटे, बहुत ज्यादा सस्ता है, रेलवे की हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती है, 50 पैसे पर हवर के हिसाब से चार्ज आपका चालू हो जाएगा 10 घंटे बाद, आप चाहे 3 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, तो इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका पार्सल रखा रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर ओरिजिनल रिसिप्ट दिखाने के बाद कस्टमर को वह पार्सल मिल जाएगा। रेलवे के पार्सल रेट्स आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे जहां से आप फॉरवर्डिंग नोट निकालेंगे, वेबसाइट का नाम मैंने पहले वीडियो में बताया, आप उसी वेबसाइट पर विजिट करें, आपको पूरी रेट लिस्ट दिख जाएगी वेबसाइट के रेट्स में, और जब आप जाएंगे तो वहां के जो रेट्स रहेंगे थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि रेलवे की वेबसाइट्स अपडेट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 1-2 रुपए का अंतर पड़ेगा। और जब भी आपका पार्सल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी वहां के गोडाउन में रखा जाएगा, तो आपको मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा, तो आप जाकर वहां पर पिकअप कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये पूरा प्रोसेस करें। सबसे पहले आपका जो भी पार्सल रहेगा, जो भी आपका माल रहेगा, उसकी अच्छे से पैकिंग करें, क्योंकि एक ही ट्रेन में अलग अलग स्टेशन पर रेलवेज में जो पार्सल उतरते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कई बार कभी इधर से उधर रखा जाएगा, तो उसमें आपकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका पार्सल घूमता है या कुछ भी होता है तो रेलवे में बहुत कम रिफंड मिलता है, इसलिए आपको अच्छे से पैकिंग करनी है, अच्छे से सब कुछ बिल्टी नंबर चढ़वा कर भेजना है। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट कांच का है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप रेलवे पार्सल द्वारा भेजें, कांच का प्रोडक्ट ना भेजें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कई बार आपका सामान टूट सकता है, इसलिए आप कांच की चीजें तो ना भेजें तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा चाहे कपड़े का हो या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट हो कांच के अलावा, वो आप आसानी से भेज सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप जब रेलवे स्टेशन पर अपना माल लेकर जाएंगे तो आपको कई तरह के ब्रोकर्स मिलेंगे, प्राइवेट एजेंसीज मिलेंगी,
जो कि आपको कम रेट्स भी बताएंगे और आपको कहेंगे कि आपकी पूरा काम वही कर देंगे, आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप उनसे सावधान रहें, आप खुद जाकर अपना पार्सल बुक करें, काफी ज्यादा सस्ता रहता है और वो आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेंगे अगर आप उनकी बातों में फंस गए, तो आप उनसे बच के रहिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी रिसिप्ट रहती है, जो भी आपके पेजेस रहते हैं वहां पर, जो आपको फॉर्म्स मिलते हैं, उनके आप फोटो खींचकर जरूर रख लें, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ ये मेरा पार्सल था, इन केस अगर आपकी बिल्टी कभी घूम जाती है, बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है बिल्टी को, तो आपके पास कुछ प्रूफ तो रहेगा कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट था, इसलिए आप उनकी फोटो खींच लें। और जो आपका प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं उसका भी एक फोटो खींच कर रखें अपने पास, ताकि वहां पर ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप लोकल ट्रक ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं बेल आइकन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज के इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारियों की मदद कर सके और इंडियन इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। सभी को इसके अलावा अगर और कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको पार्सल पहुंचाने, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो इस वीडियो में जो आप मैंने जानकारी दी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर काफी तरह की जानकारियां पोस्ट की जाती है बिजनेस से रिलेटेड। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कहूंगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।